हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे सामने एक हैंडमेड ड्रिल मशीन है। 775 मोटर, डीसी मोटर से मैंने इसको बनाया है। ये मोटर मैंने एक पंप से निकाला था जिसका हेड ख़राब हो गया था, पर इसका क्वालिटी सही है। इसके बल बेयरिंग लगा है इसमें, इसलिए मैंने इसको रख लिया। और देख सकते हैं इसका जो बीट है वो डी बीट है, और मैंने सोचा कि चलिए इसे एक ड्रिल मशीन बनाया जाए। तो मैंने एक ड्रिल चक तो खरीद लिया जो कि 10 mm का ड्रिल चक है। मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। 1.5 to 10 mm मेरा ज़रूरत के हिसाब से मैंने ये ख़रीदा है। और जब मैंने इसको बनाने की कोशिश की तो मुझे जो परेशानी आई मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ। तब सबसे पहले जो बनाना था, एक मोटर तो मिल गया, ड्रिल तो मिल गया, तो बनाना था हमें ये अडाप्टर। अडाप्टर का काम है हमारे मोटर से ये ड्रिल बिट को, यानी कि जो चक है उसको जॉइंट करना। तो सबसे पहले हमें ये बोल्ट लिया और उसके सेंटर में एक फाइव और 0.2 mm का एक ड्रिल बना दिया 2 mm का ऊपर, ताकि मैं इसको टाइट कर सकूं। और ये काम आसानी से नहीं होने वाला था, इसको अच्छे खासा लेथ मशीन की ज़रूरत थी ताकि इसको सेंटर में बनाया जाए। तो मेरे केस में ये थोड़ा सा, यानी कि 99.5% ऊपर नीचे हो गया, पर फिर भी ये काम करने लायक है। और देख सकते हैं ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास, हमारे यहाँ ये बोल्ट छोटा नहीं मिला। चाहे तो मैं इसको काट सकता था, पर ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने इसको स्टडी रहने ही दिया। ये देख सकते हैं मेरे सामने एक एल्युमिनियम का एक प्लेट है। तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है एल्युमिनियम प्लेट में ड्रिल करने के लिए, हीटसिंग वगैरह बनाने के लिए मेरे को ये ड्रिल ज़रूरत होती है। तो मैंने बड़ा वाला ड्रिल नहीं ख़रीदा, मैंने सोचा कि इससे बना देते हैं। और ये देखिए 12 volt 7.2 amps का एक लीड एसिड बैटरी है जो कि इसको मैक्सिमम करंट दे सकता है। तो मैक्सिमम आपको 12 volt 5 ampere का करंट देने वाला कोई भी पावर सप्लाई भी चलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि एक अच्छा खासा कैमरा खरीद के आपको मैं दिखा सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए मैं आपको थोड़ा ट्रायल के लिए दिखा देता हूँ। अब तो मैंने इसका हैंडल वगैरह डिज़ाइन नहीं किया है, पर आप चाहे तो PVC पाइप का यूज़ करके स्विच लगा के आप डिज़ाइन कर सकते हैं, पर मैं धीरे धीरे इसको करने वाला हूँ मॉडिफिकेशन। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे जब लगाता हूँ तो, और मेरा मोटर अच्छे से चल रहा है, पूरा जितना हो सके वो सही से घूम रहा है। और मैं आपको अभी इसको मेटल को ड्रिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं वही एल्यूमिनियम प्लेट है, अब जितने भी सारे होल्स देख रहे हैं इसमें, बीच वाला छोड़ के जितना भी सब होल्स है सब इस ड्रिल मशीन से बनाया गया है। और ये मैं एक 2.5 mm का मेटल ड्रिल बिट यूज कर रहा हूँ, मिरिंडा कंपनी का एक लोकल ब्रांड है, पर अच्छा बिट है ये, बहुत ही आसानी से ये ड्रिल करता है। और आपको टर्क बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा टर्क मिलने वाला है। आप मतलब डाउट मत रहे कि ये मोटर, मतलब दबाने से मोटर बंद हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, इसका बहुत ही तगड़ा टॉर्क रहता है। और आपको आसानी से आप मतलब 2 to 3 mm तक एल्यूमिनियम को बहुत ही आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। प्लाईवुड वगैरह और 1 mm 2 mm थिकनेस वाला वुड या फिर एल्यूमिनियम आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ड्रिल हुआ है और बहुत ही अच्छा ड्रिल हुआ है। तो ये एक 2 mm का थिकनेस का एल्यूमिनियम था जो कि बहुत ही आसानी से ड्रिल हुआ है। और एक सैम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये भी एक अच्छा खासा थिकनेस वाला हीट सिंक है, मॉस्फेट वगैरह में लगते हैं। ये भी मैंने एक ही ड्रिल किया था जो छोटा वाला है, बड़ा वाला कंपनी ने किया था। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये ड्रिल मशीन, ठीक है। ये ड्रिल मशीन अगर आपको पसंद आए तो आप खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स है आपको ध्यान में रखना है, आपको ड्रिल हमेशा स्ट्रेट ही करना है लेथ मशीन के द्वारा, उसके बाद ही आपको अडाप्टर अच्छे से बनाना होगा। अदरवाइज आप इंटरनेट से आप ख़रीद सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है, पर वो रेडीमेड और वो बहुत ही अच्छा फंक्शनल होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन खरीदीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।